नमस्कार सभी भक्तों को, बहुत लंबे समय के बाद आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है, यात्रा के अनेकों आयाम हैं। इन सभी यात्राओं में यज्ञ आदि कर्म करते हुए, शिविर आदि करते हुए देश और दुनिया का भ्रमण करता रहा। आज पुनः आपसे कुछ कहने का मौका मिला है। मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, खूबसूरत तरीका है, जीवन के निर्माण में जिसका सहयोग रहा है, जीवन के विनाश में भी वो काम आएगा। पर इस जीवन के निर्माण विनाश के बीच में कुछ कलाकृतियाँ हैं जिसमें जीवन एक कला बन कर जाती है। उन कलाओं को उद्धृत करने के लिए मैंने एक प्रयास किया है कुंडलिनी के माध्यम से। कुंडलिनी एक मैकेनिज्म है, कुंडली एक केंद्र है। दो प्रकार का अर्थ आता है, कुंड माने एक छोटा सा तालाब, और कुंड माने जो हम आप कानों में बाली पहनते हैं कुंडल मान करके, जिसे सर कुंडल मान करके बैठता है उसमें एक पहचान होता है। हमारे आपकी जो कुंडलिनी है वह कुंडल मार कर बैठने वाली एक सर्पिणी है। जहाँ तक से मुझे मालूम है, आप लोग जानते हो, भगवान शिव की कोई भी ऐसी आकृति नहीं मिलेगी जिसमें सर्प उनके गले में ना लपटा हो, सर्प उनके बाहों में तीन साढ़े तीन कुंडल मार करके ना बैठा हो, और ऐसा कोई भी शिव लिंग नहीं मिलेगा जहाँ आपको सर्प कुंडल मार कर ना बैठता हो। यह सब शक्ति का प्रतीक है। यह सत रज तप, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, उसका प्रतीक है। हाफ जो है, आधा जो है, और जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक को लेकर के उर्ध बिंदु को विसर्ग अनुसर्ग की प्रतीक बना हुआ है। तो जीवन एक कला है, और सारा शरीर के अंतःकरण जो है वो कलाकारी है परमात्मा की। ऐसे विशेष प्रकार के बनाई गई है, अगर जिसको एक 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 करके आप अवलोकन करने लगे, खोजने लगे, तो आपका जीवन आनंदमय ही नहीं, आप मोक्ष मुक्ति परा आपरा से परे आप अपने में समाहित निर्माण के वासना प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का केवल अर्थ मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, जीवन का अर्थ निर्माण है। जीवन अपने निर्माण विराटता, जहाँ विराट समा जाता है, जहाँ सभी ग्रंथियाँ खो जाती हैं, जहाँ सभी खोज अन्वेषण विज्ञान लुप्त हो जाता है। ये आपके जीवन में इतने रहस्यमय चीज़ें छिपी हुई हैं कि अगर उन रहस्यों को जान जाए, चक्र जिसमें चक्र आता है, चक्र का मतलब होता है आवर्तन, घुमाव, एक बिंदु बनाना, एक ऑर्बिट बनाना, एक सर्किल बनाना। संसार की सभी शक्तियाँ सर्किल बना रही हैं, संसार के आंतरिक सभी प्लैनेट किसी न किसी के ऑर्बिटेशन में, किसी न किसी के गुरुत्वाकर्षण में परिक्रमा कर रहे हैं। उसी का प्रतीक चक्र है। चक्र गोलार्ध को कहते हैं, चक्र आवर्तन को कहते हैं, चक्र परिधि को, गोल परिधि को कहते हैं। चक्र जो आपको उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर यात्रा करता है, चक्र दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर परिक्रमा करता है। इसका हर चक्र का कोई न कोई एक केंद्र है, बिंदु है, हर चक्र का कोई न कोई सिंबलिक अवस्था है। जो कोई भी मंत्र है चक्रों के अंदर में, उन मंत्रों का अपना महत्व होता है, और जो कुछ भी लघु मंत्र हैं उन चक्रों के पेटल्स के ऊपर, पन्नों पत्तों के ऊपर उसका महान तात्पर्य होता है। वह आपका संबंध अंतरिक्ष जगत से बताता है। कुंडलिनी के जो प्रथम चक्र मूलाधारा है वो ग्राउंडेड एनर्जी है, वो ग्रेविटेशन से कंसर्न एनर्जी है, वो आपकी मूल है, वो आपको ब्रह्मा ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर में एक विज्ञान छिपा हुआ है, इसके अंदर में शक्ति का विज्ञान, पावर का विज्ञान, वाणी का विज्ञान छिपा हुआ, आधार का विज्ञान छिपा हुआ। अगर मूलाधारा चक्र नहीं तो आपका शरीर नहीं है। मूलाधारा चक्र देवी देवताओं में काली का प्रतीक माना जाता है, काली आधार शक्ति। जब तक से काली की पूजा नहीं हो सकता, किसी की पूजा का मान नहीं है। उसी तरह से जब तक से आप मूलाधार चक्र को नहीं जान जाते, मूलाधार चक्र के बारे में नहीं समझ लेते, तब तक से जीवन का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, जीवन के विकसित विज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ आप किसी न किसी के फॉलोअर बिलीवर बनकर के खो जाएंगे। लेकिन जो हम सब आपको बताने जा रहे हैं, मैं थोड़े शब्दों में आपको संकेत करूँगा चक्रों के बारे में,
उसके बाद सावित्री आपको डिटेल बैकग्राउंड के माध्यम से चक्रों का अन्वेषण करते हुए विस्तार से आपको परिचय देने की कोशिश करेगी। आप सब प्रेम से जानने की सुनने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार यह चीज़ें अगर एक बार आपके सामने से टीवी ऐसे माध्यम से गुजर गया और आपने इसको नहीं पाया, इसका आनंद नहीं लिया, इसको छुआ नहीं, इसको जगाया नहीं, तो आप ज़िंदगी में भटक कर रह जाएंगे। कोई भी काल हो, कोई भी समय, कोई भी दिशा हो, जीवन के अच्छे समय हो या संघर्ष में समय या मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ जीवन है, तो भी आपको इसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आपको मोक्ष का मार्ग, आपको मुक्ति का मार्ग, आपको स्वाध्याय का मार्ग, आपको सभी सिद्धों का मार्ग, और इन सब से परे हट करके परम तत्व से समावेश कराने का मार्ग इस चक्रों के अंदर है, कुंडली के अंदर है, क्योंकि हम सब ऊर्जाओं के समूह हैं, हम सब ऊर्जाओं से बने हुए हैं। ऊर्जाओं में क्षमता है कि वह विद्युत पैदा करता है, ऊर्जाओं में क्षमता है कि रासायनिक प्रक्रिया लागू करता है, विद्याओं में उनमें क्षमता है कि आपको आपसे जोड़ सकता है और आपको औरों से अलग करके आपको अपने अंदर समाहित करा सकता है। आवर्तन है, जीवन में हमेशा आप परिक्रमा करते चले आ रहे हैं, यह एक और परिक्रमा है। कुंडलिनी जगाना कोई कठिन बात नहीं है, टेक इट ईजी, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। देर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंडली को जगा करके भटक गए हैं, ऊर्जाओं को एकाग्र नहीं कर पाए। ऊर्जाओं को एकाग्र करना, ऊर्जाओं के संग हो लेना, ऊर्जाओं के साथ एकाग्र करना है, ये हमारा जीवन का योग का विज्ञान है। योग अष्टांग योग के माध्यम से, योग क्रिया योग के माध्यम से, सहज योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, अनेकों हठ योग के माध्यम से, अनेकों प्रक्रियाओं से योग आपको एकाग्र करता है, कंसंट्रेशन को डेवलप करता है, विचार के साथ मिलाता है, और इन सबों से जो परे होने की क्षमता जानता है, जो बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, जो शरीर और मन से और आगे बढ़ करके अपनी यात्रा में निकलता है, अपनी खोज में निकलता है, वह सत्य का खोज है। आप जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए कहा जाता है कि जो सत्य है वह सुंदर है और वही शिव है। इस जीवन में आपका जीवन एक सत्य है, जीवन स्थापित नहीं किया गया है, आप को अपने अंदर में सब कुछ को जानना होगा, आपको अपने अंदर में सब कुछ को खोजना होगा। इसके लिए आपको तत्पर होना है, इसके लिए आपको जागरूक होना है, इसके लिए आपको अलर्टनेस लाना है। आपकी जागरूकता आपका अलर्टनेस आपके अवेयरनेस को प्रगाढ़ करेगा, आपके अवेयरनेस को मान बनाएगा और आपको कभी झुकने नहीं देगा। जीवन की इस व्यवस्था में आपको सजग होना है, अलर्ट होना है, अपने अवेयरनेस को डेवलप करना है। हम कुंडलिनी के बारे में कहने जा रहे हैं, अभी हमने चक्रों को कहा, चक्र एक आवर्तन है, एक घिराव है, एक गोलार्ध है, इसके अंदर में हमारे शरीर के विभिन्न ऊर्जाओं का महाविज्ञान छिपा है। इट्स मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ऑर्गेनाइज एनर्जी टू इम्प्लीमेंट फॉर योर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड टू इट इम्प्लीमेंट अप्लीकेट फॉर योर ब्यूटीफुल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। इट हैपेंस बोथ, सब तरह से ये आपके विराटता आपको विराट से मिलाता है और अपना अस्तित्व बनाए हुए, अपना पहचान बनाए हुए अपने आप को रखता है। यह आपके सामने आने वाली हर बाधाओं को काटता है, हर विघ्नों करता है और आपको अपने लिए छत्र छाया का काम करता है। इसलिए यह ऐसा छोटा सा विज्ञान नहीं है जो सब लोग सहज में प्रैक्टिस कर सके सब, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप समय से इतना दूर भाग गए हो कि आप अपने लिए समय नहीं खोज पाते, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो, आप एक मशीन की तरह काम करते हो और आप मशीन बन कर रह गए। यह कुंडलिनी जागरण या अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी आपके सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है, गॉडलीनेस होने का मार्ग है, निर्माण को प्राप्त करने का मार्ग है। ओनली आपको समय का सदुपयोग समझना पड़ेगा कि टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल, इफ यू मिस द टाइम देन टाइम विल ऑलवेज मिस यू। टू केयरफुल विद अवेयरनेस, केयरफुल विद अलर्टनेस कि यू आर अवेलेबल हियर, यू आर गोइंग टू लेसन समथिंग, यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटीज, फॉर द वेलनेस ऑफ द सोसाइटी,
एंड फॉर द वेलनेस ऑफ योर सेल्फ. सभी तरह के फायदे हमें आपको उठाना है इस चक्र से, कि चक्र एक विज्ञान है ऊर्जाओं को प्रयोग करने का, कि ऊर्जाएं विभिन्न रूप में हमारे आपके अंदर में समाहित हैं, स्थित प्रग हुई हैं, उनकी स्थित प्रग को तोड़ने की क्षमता आम व्यक्ति में नहीं है. इसे मूलाधारा चक्र जो है प्रकृति का वह प्रसूत भूमि है, वह ओरिजिन है जहाँ से सभी तत्वों का विकास हुआ है. डिसेंडेड होते अवतरित होकर के हम सब हायर कॉन्शसनेस है, परमात्मा से बिछड़ करके आत्मा बने हैं, और आत्मा ने शरीर बनाया है, आत्मा ने मन बनाया, बुद्धि बनाया, विवेक बनाया. इससे हमें आपको हर काम को शारीरिक मानसिक अवस्था से ऊपर उठकर आत्मीय अवस्था में करनी चाहिए, अपनी खोज में निकलना चाहिए, सत्य की खोज में निकलना चाहिए जो आपका सत्य हो सकता है. इससे आइए हम सब आपको उस मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कुंडलिनी का मार्ग कहलाता है, जिसके माध्यम से हम आप समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ दे सकते हैं. अगर हम व्यक्तित्व के धनी हैं, अगर हम अस्तित्व के धनी हैं, तो हमारे पास कुछ है देने के लिए. अगर हम इंटेग्रिटी से, अपने स्वाभिमान से, अपने स्थिति प्रज्ञता से नहीं जुड़े हैं, उसे दूर हो गए हैं, तो यू हैव नथिंग टू कीप समथिंग, यू आर एम्प्टी, टोटल एम्प्टी. इसे समाधि में, साक्षात्कार में एम्प्टीनेस का महत्व नहीं है. आज के युग में हर कोई क्रिएटिव होना चाहता है, हर कोई एक्टिव होना चाहता है, हर कोई कुछ पाना चाहता है. अगर उसे जीवन को संवारने में जो 15-20 साल गुजरा है नहीं कर पाया है, वो अब आप अपने परिवर्तन नहीं कर सकता है. उसकी खोज जारी रहेगी, लेकिन अपने आप में आकर भटकता रहेगा, क्योंकि कोई उसको साथ नहीं देता है. इसे आप सबको, जो आप लोग हैं, जो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई ऐसा मिले, कोई ऐसा गाइड मिले, कोई ऐसा ब्रिज मिले जिस पर मेरा आने जाने का मार्ग सहज हो जाए. हम लोगों जैसा, जैसे मेरे जैसा योगी आपके बीच में नहीं आएगा. मैं एक योगी हूँ, मैं हिमालय का योगी हूँ, मैं हिमालय के साथ वननेस किया है, मैं प्राय क्रियाओं का मंथन किया हूँ. बहुत सालों तक हिमालय में रह करके हमने ये खोजने की कोशिश की है कि सत्य क्या है, सत्य का प्रारूप क्या है, सत्य का अस्तित्व क्या है, सत्य अगर है तो उसका अस्तित्वगत क्या है. यह सब हमें मिला, हमने देखा, अनुभव किया, और उन सब अभिव्यक्तियों के साथ हम आपके बीच में हैं कि हम आपको कुछ दें, चाहे आप लेने के लिए तैयार हों या ना हो, इट डज नॉट मैटर. हमें चाहते हैं कि हम कुछ आपको दें, आप रिसेप्टिक हैं कि नहीं हैं. अगर हम देने वाले अपने में सबल हैं, हम देने वाले अपने में संकल्पित हैं, तो हम आपको दे सकते हैं, आपका हित कर सकते हैं, आपका कल्याण कर सकते हैं. मेरा संकल्प बौद्धिक संकल्प है, मेरा संकल्प आत्मीय संकल्प है. इसलिए बौद्धिकता में मैं संसार को देखता हूँ, आत्मीयता में अपने को समाधि में देखता हूँ. दोनों मार्ग आप सबको मिला है, आप ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, सहज मार्ग से, क्रिया योग से, जिस मार्ग से आप जाना चाहें, ऑल द रूटेड टूवर्ड्स द गेटवे ऑफ सेल्फ. सबके सब स्वयं रूपी परमात्मा के यात्रा में निकलने के मार्ग तक ये ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब ब्रिज है, ये सब आपको कैप है पहचान. इसलिए आपको इन व्यवस्थाओं से ऊपर उठना है. कुंडलिनी, मैं एक बताया, कुंडलिनी के आवर्तन है. कुंडलिनी एक शक्तियों का संग्रह केंद्र है, जिसे हम अब मूलाधार चक्र करते हैं. इसे चार पेटल्स में हम आप खोल सकते हैं. इसके बीच में बीज मंत्र है, इसके गणेश ईट देता है, इसमें एरावत हाथी है, इसमें डाकनी है, सभी लोग इसके अंदर में स्थापित, इसलिए कि आपको कोई भटका कर ले न जाए, आपको अस्तित्वगत होने के बजाय कोई व्यक्तित्वगत न होने दें, क्योंकि यह सब सिद्धियों का मार्ग है, यह सब आलंबन का मार्ग है, यह सब आश्रितों का मार्ग है. किसी किसी को माध्यम बना करके, किसी किसी को सहारा ले करके, या किसी किसी से संबंध जोड़ करके, वह अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व इस तरह से स्थापित कर जाता है कि हम अपने सत्य को, आने वाले सत्य का अनुभूत सत्य को भूल जाते हैं, और भक्ति द्वारा निर्मित कल्पना के सत्य के साथ जुड़ करके समय को व्यतीत करता है. टाइम इज इम्पॉर्टेंट, टाइम इज अफेक्शनेस, समय ही सब कुछ है, समय ही महान है, समय साथ दे दे तो हमारी आपकी सफलता है. इस समय को साथ लेकर के, समय के साथ होकर के, आइए हम सब मिल करके इस जगत के कल्याण के लिए कुछ ऐसी खोज करें, मानवता के हित के लिए कुछ ऐसा काम करें जो उनके काम तो आए भी हमारे आप काम. उसी पथ पर चलने के लिए एक प्रयास है. मैं कुंडलिनी के साथ, जैसे मूलाधारा चक्र
स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र और सहस्रार, ये सात मुख चक्र है। इसके अलावा भी चक्र है, इसमें हृदय चक्र है, इसमें लन्ना चक्र है, इसमें और गुरु चक्र है। ये सब चक्र जो लोग सात चक्र करते हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि हमारे अंदर गुरु चक्र है, हमारे अंदर ललना चक्र भी सारा ज्ञान विज्ञान जिसे छिपा है, हमारे बाहर हमारे आपके यहाँ वह सब कुछ है जो मानव के हित के लिए काम है। इससे मैं आपको कुंडलिनी के बारे में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुंडलिनी मैंने आपसे कहा कि एक शक्ति है जो अपना केंद्र बना करके, कुंडल बना करके अपने आश्रम में अपने की स्थिति अवस्था को स्थापित है। यह बड़े काम की चीज़ है, बड़ी उपयोगी है। इट कैन गिव यू लॉट ऑफ हेल्प, इट कैन गेट यू डिस्ट्रॉय ऑल्सो। तो बी ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, स्वाभिमान के धनी बनकर आप अपने यात्रा पर निकलिए। हम सब आपकी यात्रा पर, अंतर यात्रा के मार्ग पर आपको हर कुंडलियों की क्षमता को बताते हुए हाउ टू गो बियॉन्ड दैट टेक्निक भी बताएंगे, हाउ टू बी वन विद द चक्रा, हाउ टू रियलाइज द चक्रा, हाउ टू डेवलप आवर अवेयरनेस विद द चक्रा, हाउ टू फील दैट कि वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम आवर फादर एंड मदर, वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी कैन सी देम इफ आई प्रैक्टिस। आप किसी भी अपने पूर्वजों के साथ मिल सकते हैं अगर आप अपने को साधना में उतारेंगे। तब साधना बड़ी खूबसूरत जगह पर है, साधना जीवन को साधना बनाता है। इस सब का आप लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। आइए हम फिर आपको अप रूटेड करते हैं कुंडलिनी के चक्र। जैसे मैंने कहा मूलाधारा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। मूलाधारा चक्र हमारे यहाँ पे स्पाइनल कोड के गुदा मार्ग के ढाई अंगुल के ऊंचाई पर एक लिंग की आकृति का मांस का पिन बना हुआ है। सुषुम्ना कभी नहीं चलती, दोनों चल देती एक साथ में, हम आप भावात्मक मान लेते हैं कि सुषुम्ना चलती है लेकिन सुषुम्ना नहीं चलती। हम आपको क्रियात्मक और बोधात्मक में हम सहज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि में हम आप इतने उलझ गए हैं कि हम अपने कर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं। बिलीव और ट्रस्ट के माध्यम से, विश्वास करने के माध्यम से शब्दों को यूज करके हमें आपको इस कार्य से दूर रखा जाता है। इससे हमें आपको हर किसी में जागृति लाना चाहिए, हर किसी में जगाव लाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि तुम ऊर्जाओं के समूह हो, सभी ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर समाहित हैं। चाहे जितनी ब्रह्मांड की नाड़ियां हैं, चाहे जितनी ब्रह्मांड की कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपके सेल्फ की कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से यह सब आपको रास्ते में मिल जाता है। जब अपनी लंबी यात्रा में निकलेंगे, स्वयं की खोज में निकलेंगे, स्वयं की पराकाष्ठा के उपलब्धि के स्वयं के साथ एकाकार में निकलेंगे तो ऐसी चीज़ें आपकी घटेगी जो आपके सामने राकेश जी का प्रश्न आया था कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं होता है। संघर्ष ही मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है, संघर्ष ही मनुष्य को महान बनाती है। इसलिए आप सब महान बनना चाहते हैं तो इन चक्रों के माध्यम से, इन कलाओं के माध्यम से, क्योंकि जीवन एक कला नहीं है, लाइफ इज नॉट ए आर्ट, सो यू कैन नॉट मेक ए लाइफ फॉल इन टू द आर्ट, यू हैव टू मेक ए लाइफ liberated, you have to make a mind freedom, then there is a possibility to ask the people look into the self, develop your awareness, apni pragya ke sath, apni visundhara ke sath, aap ekakar karke apne aap ko wahan dekhiye, aapko sab kuch mil jayega. Aise main ye kehta raha hu ki hum kundalini ko ja rahe hain, kundalini ka maine naam bataya, aadhar shakti jo hai muladhara mein hai, prithvi tatva hai, the gravitation, the affection, the lovingness, the neutralizations, the making a oneness, everything depends on the Muladhara Chakra. You can be with that, I can go beyond that. Samadhi is not with, Samadhi is with that. Samadhi hum aap jo lagate hain, wo aapko siddhiyon ki ek prakashta hai. Lekin ek chhan aata hai jahan samadhi bina hum aap hote hain, wo hamari ki apni avastha hai. Use baanta ja sakta hai, use diya ja sakta hai. इससे इसके लिए हम लोगों ने कुंडलिनी के माध्यम से यहाँ पर और विदेशों में कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अनुग्रह को फैलाया जाए, द ग्रेस भगवान फ्रॉम द गॉड एंड द कृपा ग्रेस फ्रॉम द मास्टर, दोनों को संतुलन बनाते हुए संसार के लोगों से कहा जाए कि अनुग्रह क्या है, कृपा क्या है,
अनुग्रह में क्या घटता है, कृपा में क्या घटता है, इसका साइंटिफिक विमोचन, इसका साइंटिफिक अवलोकन और साइंटिफिक रूप से निर्माण मैंने कर लिया है। अभी इसे आपके बीच पब्लिक में नहीं लिया हूँ, मैं प्रतीक्षा में कुछ अन्य भाषाओं में चल रहा है, वो आपके बीच में आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी जीवन की सफ़र को किसी गाड़ी के माध्यम से आप सफ़र करना चाहते हैं तो डू इट विथ अवेयरनेस, अपनी क्षमता को, अपनी दृढ़ता को, अपने संकल्प को एक दिशा देकर वही करो जो आपके लिए सुटेबल है, वही वह मत करो जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। सभी लोग आएंगे, जीवन के तत्व को जानेंगे, जीवन के शब्द को जानेंगे। मैं यहाँ रुकता, फिर आगे बढ़ने के लिए आपको कुंडलिनी के लिए मैं इजाज़त मांगूंगा। अभी कुछ देर रुकता हुआ मैं आपसे कहूँगा कि अपने में अपने सत्य को खोजो। तुम ही वह हो जिसमें वह समाया है, तुम ही वह हो, जब उसे तुम खोजने लगते हो तुमसे दूर हो जाता है। माइंड इज ए मिस्ट्री, ही हैज क्रिएटेड सो मिस्ट्री थिंग्स टू डेवलप योर अवेयरनेस। किसी ने भी आपको जगाया है, छुआ है, स्पर्श किया है तो आपको दृष्टा बनने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको अस्तित्वगत होने के लिए। व्यक्तिगत होकर के आप अपने समय को नष्ट मत कीजिए, इस मार्ग पर चल करके अपना पहचान बनाइए, अस्तित्वगत होकर के अपने को महान बनाइए, जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए जो आपको समझ में आ जाए, वही जो आपको समझ में आ जाए कुछ करने के बाद, वही साक्षात्कार है। जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जो आप विभिन्न बाधाओं से मीट होकर के अपने में आनंद से बैठें, यही जीवन का सत्य, यही सत्य है, यही सुंदर है और यही सी भी है। यू आर नॉट बिहाइंड द शिवा, यू आर शिवा, एवरीथिंग हैपनिंग विद इन इज अ शिवा, इफ शिवा इज नॉट देयर यू डज नॉट एक्सिस्ट। ऐसे आधार शक्ति महाकाली नहीं है, आधार शक्ति नहीं बन सकती। अगर पृथ्वी नहीं है तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी आपके भौतिक शरीर ही पृथ्वी है, या आवागमन के मार्ग में सात भार के शरीर को छोड़ते हुए अपने अवस्था को प्राप्त किए। हो सकता है इसके बाद और कुछ आपके साथ घट जाए, इससे आप अलर्ट रहिए कि आपके साथ जो घटे वो आपको दिखाई पड़ जाए, आपके जानने में आ जाए, तभी जीवन का सत्य समझ में आएगा। इसके लिए मैं आभारी हूँ, इसके लिए मैं आशीर्वाद करता हूँ कि लेट पीपल इन्जॉय एंड सेलिब्रेट ऑफ देयर लाइफ विद द ग्रेट हैप्पीनेस टाइम ऑफ योर मास्टर्स एंड द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। ईश्वर के अनुग्रह के माध्यम से आपको सफलता मिले, आप कुछ करें, यह मेरी शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति।